खबर मऊ जनपद से है, जहां वैश्विक महामारी कोरोना कोविड 19 के कारण बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षकों द्वारा छात्र छात्राओं को किस तरह से विद्यालय बंद के समय में शिक्षा उपलब्ध कराया जा रहा है, इसी संबंध में संकुल मुस्तफाबाद की मासिक बैठक दिनांक 9 जनवरी 2021 को प्राथमिक विद्यालय पिलखी के प्रांगण में SRG राकेश एवं ARP उत्तम के दिशा निर्देश में सम्पन्न हुई। इस बैठक में संकुल मुस्तफाबाद के सभी शिक्षक संकुल के साथ ही संकुल के समस्त विद्यालयों के प्रधानाध्यापक, प्रभारी प्रधानाध्यापक भी उपस्थित रहे। बैठक में उपस्थित सभी शिक्षकों ने सकारात्मकता के साथ बैठक में अपने अनुभव, नवाचार एवं योजना इत्यादि को सभी के बीच साझा किया। SRG और ARP के मार्गदर्शन में प्रधानाध्यापक, प्रभारी प्रधानाध्यापक द्वारा अपने विद्यालय को प्रेरक बनाने हेतु संकल्प लिया गया। पिलखी मऊ से दीपक सिंह, सचिव की रिपोर्ट। कि हमें अपने ब्लॉक को प्रेरक ब्लॉक बनाना है, अपने विद्यालय को प्रेरक विद्यालय बनाना है। अब इसमें कहीं से अपवाद की बात नहीं है कि आपने अपने दिमाग में इस चीज को नहीं ठाना है। आज मुझे सामने देखने को भी मिल रहा है एक शिक्षक संकुल का प्रयास, इस कैंपस के अंदर मैं देख रहा हूं। मैं भूरी भूरी इनकी प्रशंसा करना चाहता हूं कि आपने ऐसी सोच, ऐसे नवाचार आपने इस पिलखी ग्राउंड में प्रदर्शित किया है। मैं इसकी फोटोग्राफी करके, इसकी वीडियो बना करके मैं महानिदेशक महोदय तक भेजने का प्रयास करूंगा। पहले आप इसको पूरा कंप्लीट कर लीजिए। तो ये है नवाचार। इस शिक्षक संकुल बैठक का प्रमुख मुद्दा यही है कि जब भी बैठक हो आपके कैंपस में, मासिक बैठक शिक्षक संकुल की, तो उसमें आप वाच करिए। एक शिक्षक संकुल की जिम्मेदारी पे तीन विद्यालय है, तीन विद्यालय में प्रत्येक शिक्षक संकुल यह वाच करेगा कि कौन से विद्यालय का कौन सा शिक्षक नवाचारी है और कौन सा शिक्षक अपने विद्यालय में बेहतर योगदान दे रहा है। उस अध्यापक को आप प्रत्येक मीटिंग में बुलाएंगे और मीटिंग में बुलाने के बाद उनके द्वारा बनाई गई सामग्री, जैसे श्वेता जी ने अभी प्रदर्शित किया अपना TLM, उस तरह के नवाचार और उस तरह के कंटेंट आप जो है कि सामने शेयर करेंगे, ताकि इस मीटिंग का उद्देश्य हमारा यह पूरा हो जाए कि जितने भी हमारे शिक्षक इस मीटिंग में प्रतिभाग कर रहे हैं, जितने भी प्रधानाध्यापक मीटिंग में प्रतिभाग कर रहे हैं, उस नवाचार को सीखते हुए अपने विद्यालय पे जा करके। मेरा नाम उत्तम चंद प्रसाद है और मैं ARP हूँ, रतनपुरा ब्लॉक का। सर, मतलब ये जो लगभग ये आप मतलब आप सभी लोग लगभग आप लोग देखे होंगे कि देश ही नहीं विश्व में कोरोना जैसी संकट आई है, उसको लेकर के लॉकडाउन लगा 3-4 महीने का, शुरू में फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज, मतलब उस हिसाब से आपका शिक्षक में क्या, मतलब शिक्षा जगत में क्या ऐसी थी कि आप लोग छात्रों को क्या क्या मतलब उपलब्ध करा सकें। देखिए, मैं मऊ जनपद की बात करता हूँ। लॉकडाउन हुए 7-8 महीने, जैसे आप जानते हैं कि इस प्रक्रिया में स्कूल बंद है और बच्चे विद्यालय में नहीं आ रहे हैं, अध्यापक विद्यालय में आते हैं, लेकिन बच्चों की पढ़ाई सुचारू रूप से हो, बच्चों की पढ़ाई चलती रहे, इसके लिए हमारे जो इस जनपद के मुखिया हैं, आदरणीय बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय श्री OP त्रिपाठी जी ने शिक्षा आपके द्वार एक नवाचार चलाया। इसमें शिक्षक आते हैं विद्यालय में और विद्यालय में हस्ताक्षर करके घर घर जाकर के पढ़ाने का कार्य करते हैं। और इसमें बड़ी बात मैं बताना चाहूंगा कि सिर्फ 1-2 घंटे नहीं, हमने अनुसरण करने के दौरान देखा कि 1 घंटे ब्रेक के दौरान लगभग कई सारे ऐसे विद्यालय हैं, बहुत सारे ऐसे विद्यालय हैं जिसमें 1 घंटे ब्रेक के छोड़ दिया जाए तो दिन भर शिक्षा आपके द्वार चलता रहता है। इस तरह मऊ जनपद में बच्चों की पढ़ाई जारी है। सर, मतलब जो शुरू में ऑनलाइन शिक्षा थी, मतलब ऑनलाइन शिक्षा को सभी छात्र के द्वार तक तो आप तो मतलब जाते थे कि नहीं जाते थे? जी बिल्कुल, आपने ऑनलाइन शिक्षा की बात की, हमारा प्रदेश भी यही मान रहा है कि आज के डेट में शिक्षक ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। ये भी चीज सत्य है, जितने बच्चे मोबाइल में जुड़े हैं उसको हमारे अध्यापक, स्पेशली रतनपुरा के ब्लॉक के अध्यापक और हमारे खंड शिक्षा अधिकारी महोदय डॉक्टर राजेश चतुर्वेदी जी की प्रेरणा से ई पाठशाला भी चल रही है, मोबाइल के से भी शिक्षक पढ़ाने का कार्य करते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके पास मोबाइल नहीं है,
तो आदरणीय बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय, आदरणीय खंड शिक्षा अधिकारी महोदय की प्रेरणा से अध्यापक गांव में जाते हैं, घर घर जाके पढ़ाते हैं, लेकिन ई पाठशाला आज भी चल रही है। सर मतलब इसको लेकर के मतलब छात्रों में कैसा संदेश जाएगा आपको, आपको क्या लग रहा है? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा इस बारे में। आपने बहुत बढ़िया प्रश्न किया। जब हम लोग फील्ड में अनुश्रवण करते हैं, विद्यालय निरीक्षण करते हैं, तो हमने देखा कि अभी देखिए आपके मुस्तफाबाद में इकबालपुर था, इकबालपुर में मैं अनुश्रवण करने गया था, तो मैं जब वहां पहुंचा तो सारे अध्यापक एक सिवाय महिला को छोड़कर के सब लोग फील्ड में निकले थे। मोहल्ला टोली जैसे चौहान बस्ती, यादव बस्ती, इस तरह की टोली बांट दी गई है और अध्यापक जाकर के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। और जो हमारा प्रेरणा लक्ष्य है, आदरणीय महानिदेशक महोदय का जो प्रेरणा लक्ष्य है, उस पे फोकस करने हेतु अध्यापक सहज वन, सहज टू, सहज थ्री का प्रयोग करते हुए शिक्षा के द्वार का सफल क्रियान्वयन कर रहे हैं। और अध्यापकों के इस कार्य और व्यवहार से गांव और समाज में अध्यापकों की छवि सुधरी है। और बहुत सारे ऐसे अध्यापक हैं जो कहते हैं कि हम लोग जब गांव में जाते हैं, शिक्षक को पढ़ाने जाते हैं, बच्चों को पढ़ाने जाते हैं, तो हमारा क्या होता है, हमको बड़ा स्वागत किया जाता है, हमको कचरस पिलाया जाता है। जैसे आप जानते हो कि भोजपुरी में कचरस जानते ही होंगे, उसी तरह से किसी को घुघनी खिलाई जाती है, किसी को चाय पिलाई जाती है। तो इस शिक्षा आपके द्वार कार्यक्रम के तहत बच्चों का सम्मान बढ़ा है। सर एक अंतिम प्रश्न है, जो आप लोग शिक्षा आपके द्वार के तहत आप लोग जाते हैं, लगभग पिछली एडिशन में हमारे एक सहयोगी पत्रकार हैं, तो उन्होंने एक फोटो था डाला, उसमें शिक्षक मास्क नहीं पहना था और लगभग छात्र की सोशल डिस्टेंसिंग नहीं थी, मतलब ये सोशल डिस्टेंसिंग रहने चाहिए या नहीं? जी बिल्कुल, देखिए वहाँ से हमारे जो मुखिया हैं, हमारे आदरणीय बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय का कहना है कि सामाजिक दूरी का पालन करते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए और कम संख्या में बच्चों को पढ़ाया जाना है, संख्या कम होनी चाहिए, सामाजिक दूरी का पालन करते हुए, कोविड 19 जो प्रोटोकॉल है उसका पालन करते हुए बच्चे को पढ़ाया जाना है। देखिए कहीं कहीं भी विसंगतियां रहती हैं, नकारात्मकता हर चीज में आपको मिलेगी, 100% कोई चीज अच्छी नहीं हो सकती, आदर्श नहीं स्थिति हो सकती। तो इस तरह से सामाजिक दूरी का पालन करते हुए हमारे रतनपुरा के सारे शिक्षक सभी स्कूलों में शिक्षा के द्वार का सफल क्रियान्वयन हो रहा है। आपका पद प्रभारी प्रधान प्राथमिक विद्यालय पिलखी, शिक्षा क्षेत्र रतनपुरा, जनपद मऊ। आज जैसे शिक्षा के तहत आपके विद्यालय में कार्यक्रम रहा, इसको लेकर के आपका क्या, इसका मतलब क्या है कहना आपको? देखिए अभी जो नई शिक्षा नीति आई हुई है, इसके तहत सरकार द्वारा यह प्रयास किया जा रहा है कि शिक्षा को घर घर तक पहुंचाया जाए और अपने देश को 100% साक्षर बनाया जाए, जिसके लिए वो सरकार द्वारा निर्देशित किया जाता है और एक कड़ी के माध्यम से अपने विद्यालयों को प्रेरित किया जाता है नवीन योजनाओं को लागू करने, जिसके तहत इन नवीन योजनाओं को लागू करने के लिए हमारे पूरे जनपद में या पूरे उत्तर प्रदेश में आप कह सकते हैं कि हर जिले में कुछ संकुल भाग बटे हुए हैं, उस संकुल में कुल पांच संकुल शिक्षक चयनित किए जाते हैं। वो पांच संकुल शिक्षक अपने क्षेत्र में प्रेरणा स्रोत का कार्य करते हैं, उसी में से एक मैं भी हूँ, मुझे भी मुस्तफाबाद संकुल में संकुल शिक्षक चयनित किया गया है। यह मुस्तफाबाद एक नया पंचायत है जिसके अंतर्गत मेरा विद्यालय स्थित है। इसका उद्देश्य और संदेश क्या जाएगा हमारे समाज में और छात्रों के बीच? इसका एकमात्र उद्देश्य है शिक्षा हर घर तक पहुंचे, चाहे जैसे पहुंचे, ऑनलाइन पहुंचाइए, ऑफलाइन पहुंचाइए, क्रिएटिव बनाइए, मतलब बच्चों को मोटिवेट करिए, पेरेंट्स को मोटिवेट करिए, टीचर्स को गाइड करिए, आप जो भी कर सकते हैं अपने लेवल से वो करिए और इस तरीके से बच्चों के साक्षरता दर को बढ़ाना हमारा एकमात्र उद्देश्य है। ठीक ठीक।